T20 वर्ल्ड कप के खत्म होते होते हमारे देश के सट्टा बाजार में कुल 5,00,000 करोड़ रुपए लग चुके थे। एक थोड़ा ऑकवर्ड सा फैक्ट लगेगा आपको, लेकिन इस साल जब हमारा बजट पास हुआ तो उसमें जो डिफेंस बजट था वो 4,78,000 करोड़ रुपए ही था। बात आप समझ रहे हैं, सरकार जितना हमारे सुरक्षा पे खर्च कर रही है लोग उतने ही पैसे अपने सट्टेबाजी में उड़ा दे रहे हैं। लेकिन ये लोग इतने धड़ल्ले से जुआ कैसे खेल रहे हैं, कानून क्या है और सरकार को इसमें क्या कोई फायदा हो रहा है, ये जानना जरूरी है। यह कहानी शुरू होती है 5,000 साल पहले से। जी हाँ, भारत में जुए का जो ताल्लुक है वो महाभारत से है। उसने सिखाया है कि जुआ खेलने वाले जमीन जायदाद और पत्नी तक हार जाते हैं। यही एक बात भारत में जुए को गलत ठहराती है, नहीं तो भारत की किसी सरकार ने आज तक जुए पर कोई कानून नहीं बनाया है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा, ये जो पुलिस जुआ खेलने वालों को उठाती है वो कैसे करती है? जी हाँ, इसका जवाब है कि आज से 150 साल पहले अंग्रेजों ने कहा कि भारत पर राज करना बड़ा कठिन हो रहा है क्योंकि जुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जुए के चलते जो आज राजा होता था कल वो आदमी भिखारी हो जाता था, और कल जो भिखारी रहता था आज राजा हो जाता था। तो समझ नहीं पाते थे कि किस वाले आदमी के साथ रिश्ते मजबूत करें। इसलिए उन्होंने द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 बनाया और जुआ बैन कर दिया। आज तक हम उसी नियम को मानते आ रहे हैं। आजाद भारत की किसी सरकार ने इस नियम को अपडेट करने तक की हिम्मत नहीं दिखाई है, लेकिन इसमें भी एक पेंच है। दरअसल 1867 में ऑनलाइन जैसी कोई चीज तो थी नहीं, न मोबाइल थे न ऐप थे, इसलिए कानून में इंटरनेट पर खेले जा रहे जुए को लेकर के कोई भी बात नहीं है। इसीलिए इंटरनेट की दुनिया पर सट्टेबाजी का बाजार फलने फूलने लगा। संसद ने जब 2000 में आईटी एक्ट बनाया तब भी सट्टेबाजी को लेकर के एक पैसे का जिक्र नहीं किया। इससे हुआ क्या, भारत की कुल सट्टेबाजी में लगभग 70-80% जुआ ऑनलाइन खेला जाने लगा। 2019 तक सट्टा बाजार 3,00,000 करोड़ रुपए का हो गया था। तब जाकर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2020 को एक लैंडमार्क डिसीजन में उस प्रपोजल को पास कर दिया जिसमें कहा गया था कि सट्टेबाजी का दो रूप होता है। पहला गेम ऑफ स्किल, यानी जानकारी और नॉलेज के हिसाब से पैसे दांव पर लगाना, इसे अपराध नहीं कहा जाएगा। तो आज आपको जो ड्रीम 11, फैंसी 11, माय सर्कल और रमी जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी के ऐप दिखाई देते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के उसी गेम ऑफ स्किल के तहत अपना कारोबार कर रहे हैं। जो फैंसी स्पोर्ट्स 2019 में 920 करोड़ रुपए का था वो 2020 में 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इस साल के आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि इतनी कमाई हुई है सट्टेबाजी में इस साल जितनी की पहले कभी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही कि गेम ऑफ चांस, यानी सिर्फ लक आजमा कर जुआ खेलना, ये ठीक नहीं है, लेकिन राज्य के पास इसका अंतिम अधिकार होगा कि वो अपने स्टेट में जुए को लीगल करे या न करे। जैसे गोवा, सिक्किम और दमन ने अपने यहां जुआ लीगल कर रखा है, लेकिन दूसरे राज्यों में अभी भी उसी 150 साल पुराने कानून के चलते जुआ बैन है। हमारे देश में फिलहाल सबसे ज्यादा सट्टेबाजी क्रिकेट पर हो रही है। 2013 में आईपीएल में जब स्पॉट फिक्सिंग हुई थी, आप लोगों को याद होगा, तब लोढ़ा पैनल बनाया गया था। उसने 38 राउंड की बैठक की और जानते हैं क्या सिफारिश की इस लोढ़ा पैनल ने? उसने कहा कि क्रिकेट में बेटिंग को लीगल कर देना चाहिए, क्योंकि सट्टेबाजों पर पूरी तरह से लगाम लगा पाना बहुत ही कठिन है। अगर लीगल करते हैं तो क्या होगा, तो इससे सरकार को रेवेन्यू मिलने लगेगा। फिक्की की एक रिपोर्ट ने कहा है कि क्रिकेट में बेटिंग को लीगल कर दिया जाए तो सरकार को हर साल 12,000 से 19,000 करोड़ रुपए मिलने लगेंगे। फिलहाल इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जहां सट्टेबाजी को लीगल किया गया है। 2019 में जब डाटा आया था इसका, तो ऑस्ट्रेलिया को बेटिंग से $11 अरब यानी करीब 81,000 करोड़ रुपए और कनाडा को करीब $15 अरब यानी 1,11,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। तो आज जानना जरूरी है, मैं इतना ही। फिलहाल हम ये आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या सट्टेबाजी को भारत में लीगल कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपनी राय हमें भास्कर ऐप में, जहां ये स्टोरी पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, उसमें सबसे नीचे जाकर के देखेंगे तो सुझाव लिखा होगा, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।